दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया के बड़े अपडेट्स। आईपीएल ने बनाया फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऋतुराज गायकवाड़ के एक ओवर में 7 छक्के, केएल राहुल ने छोड़ी लखनऊ की कप्तानी। तीसरे वनडे मुकाबले पर बड़ी खबर, गौतम गंभीर हुए आईपीएल पर आग बबूला, इन खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा नया टीम ऑक्शन में, और भी ढेर सारी अपडेट्स आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया जुड़े आपको बताने वाले हैं। और बस आपको आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों हम क्लिप वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 588वां वीडियो है। और यदि हमारे चैनल का ऐसा नहीं है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2022 के फाइनल मुकाबले को लेकर, जहां पर आईपीएल ने फिर से एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। और इस बार जो रिकॉर्ड बनाया है वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि जो आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला खेला गया था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जो अहमदाबाद में है, उसमें 1,01,566 लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी, जो मई 30 को हुआ था। और इतने सारे लोग पहली बार किसी T20 मुकाबले को देख रहे थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और इसके पहले यह रिकॉर्ड मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के नाम था, जहां पर लगभग 90,000 लोगों ने देखा था मुकाबला एक साथ। और जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जैसा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट ले रहे हैं इस अचीवमेंट के लिए, और इसके लिए उन्होंने क्रिकेट के फैंस को धन्यवाद किया है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से, जहां पर आपको हम बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 43 रन बना डाले, उसमें उन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाए, और जो 7वां छक्का लगा था वह एक नो बॉल में था, इसलिए कुल मिलाकर 43 रन बन गए और लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। और इस 7 छक्कों का वीडियो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र की कप्तानी कर रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी में और काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2023 शुरू होने से पहले वह अपने प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शनी कर रहे हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ के मैनेजमेंट ने इस टीम के कप्तान केएल राहुल को सलाह दिया है कि वह कप्तानी छोड़ दें और कप्तानी छोड़कर अपनी बल्लेबाजी और अपनी विकेट कीपिंग पर ध्यान दें, यानी कि वह एक बल्लेबाज और विकेट कीपर के तौर पर टीम में खेलें। और इसके पीछे यही वजह है कि मैनेजमेंट चाहते हैं कि बिना कोई दबाव के केएल राहुल आईपीएल खेलें। असल में केएल राहुल का पिछले कुछ महीनों में फॉर्म कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहा है, और बहुत कोई वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार का जिम्मेदार केएल राहुल को भी ठहरा रहे हैं। तो केएल राहुल को यह सजेशन दिया गया है, यह ओपिनियन दिया गया है कि वह यदि चाहे तो कप्तानी छोड़ सकते हैं, अपनी बल्लेबाजी पर फोकस कर सकते हैं, और इस सीजन वह कप्तानी छोड़ दें और अगले सीजन से वह फिर से कप्तानी कर सकते हैं। और इस बार यदि केएल राहुल कप्तानी छोड़ देते हैं तो फिर उनकी जगह पर क्विंटन डिकॉक कप्तानी करेंगे, जो पहले से ही टीम के वाइस कप्तान है। अब देखिए केएल राहुल इस सजेशन को किस तरीके से लेते हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अपना चौथा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले को लेकर। कल हुए भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में लगातार बारिश की वजह से मुकाबला नहीं हो पाया था। पहले मुकाबले को 29 ओवर का करना पड़ा था और फिर बारिश की वजह से मुकाबला रद्द कर दिया गया। और आपको बता दें कि पहला मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम ने जीता था, तो इस तरह से सीरीज में 1-0 की बढ़त में है न्यूजीलैंड की टीम। और अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 30 नवंबर को खेला जाने वाला है, यानी कि बुधवार को। और इस मुकाबले में किसी भी तरह से भारतीय टीम को जीत हासिल करना ही होगा, और इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर करना होगा। और यदि इस मुकाबले में बारिश हो जाता है और मुकाबला नहीं हो पाता है तो फिर भारतीय टीम इस सीरीज को 1-0 से गवा देंगे। चलिए देखते हैं अपना पांचवा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है गौतम गंभीर की तरफ से, जहां पर गौतम गंभीर ने आईपीएल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आईपीएल सबसे बेस्ट चीज है जो भारतीय क्रिकेट के साथ हुआ है। आईपीएल ने भारत में क्रिकेट का रंग और रूप बदल कर रख दिया है, और यदि भारतीय खिलाड़ी आईसीसी इवेंट में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो इसके पीछे पूरी तरह से जिम्मेदार खिलाड़ी हैं, और आईपीएल को जिम्मेदार ठहराना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि आईपीएल एक टूर्नामेंट है, एक प्लेटफॉर्म है, और प्रदर्शन तो खिलाड़ियों को ही करना होता है। तो साफ सी बात है कि उनके मुताबिक खिलाड़ियों का दोष रहता है, खिलाड़ियों को ब्लेम करना होता है। आईसीसी में फेलियर का पूरा श्रेय खिलाड़ियों पर जाता है, ना कि आईपीएल पर। चलिए देखते हैं अपना छठा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है उन खिलाड़ियों को लेकर जो हो सकता है इस बार के आईपीएल में ऑक्शन में नहीं बिक पाएंगे। आईपीएल के ऑक्शन में एक महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है, और सभी फ्रेंचाइजी प्लान कर रहे होंगे कि किस खिलाड़ी को टारगेट करना है। और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी जो रिलीज किए गए थे उन्हें हो सकता है कोई नया टीम नहीं मिले। और आपको हम 5 खिलाड़ी ऐसे बताने वाले हैं जो कन्फर्म तरीके से आईपीएल के किसी भी टीम को बोली लगाने के लिए अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इन 5 खिलाड़ियों में सबसे पहले नंबर पर नाम आता है क्रिस जॉर्डन का, जिन्हें पिछले साल चेन्नई की टीम ने खरीदा था लेकिन फ्लॉप साबित हुए थे। इसके बाद अजिंक्य रहाणे का नाम आता है, जो पिछले बार कोलकाता की तरफ से खेल रहे थे लेकिन वह भी डिलीवर नहीं कर पाए। इसके बाद नाम आता है जेसन रॉय का, जो पिछले साल आईपीएल तो नहीं खेले थे लेकिन इस बार बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। चौथे पर नाम आता है टैमोल मिल्स का, जिन्हें जोफ्रा आर्चर के रिप्लेसमेंट के तौर पर मुंबई की टीम ने खरीदा था और कुछ खास नहीं कर पाए थे।
और बहुत सारे लोकल लेफ्ट आर्म के तेज गेंदबाज अवेलेबल हैं ऑक्शन में, तो इनके बिकने के चांस कम है। और अंत में नाम आता है वरुण अरुण का, गुजरात की टीम ने रिलीज कर दिया था इन्हें क्योंकि इन्होंने सिर्फ 2 विकेट लिए थे आईपीएल 2022 में और 11 के इकोनॉमी से रन भी दिया था। और इन खिलाड़ियों के अलावा आपके मुताबिक और किन खिलाड़ियों को कोई नया टीम नहीं मिलेगा या तो ऑक्शन में अनसोल्ड रह जाएंगे हमें नीचे कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना 7वां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2023 के ऑक्शन के डेट चेंज को लेकर। आपको हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि आईपीएल के कुछ फ्रेंचाइजी ऐसे हैं जिनका मानना है कि आईपीएल की तारीख को बदल देना चाहिए क्योंकि जिस समय आईपीएल हो रहा है उस समय क्रिसमस रहने वाला है और बहुत सारे ऐसे विदेशी कोच और मैनेजमेंट के स्टाफ हैं जो उस समय भारत नहीं आ पाएंगे। तो इस रिक्वेस्ट को खबरों के मुताबिक खारिज कर दिया गया है और बीसीसीआई के एक टॉप ऑफिसियल ने यह जानकारी दी है कि यह जो रिक्वेस्ट किया गया है डेट बदलने का वह एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि आईपीएल 2023 का ऑक्शन का तारीख 23 दिसंबर सेट किया गया है और यदि इसे बदला जाएगा तो बहुत तरीके का लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होने वाला है और इसलिए आईपीएल 2023 का जो ऑक्शन है वह 23 दिसंबर को ही कोची में होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने का चांस है। चलिए देखते हैं अपना 8वां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है सुरेश रैना की तरफ से। कुछ दिनों से यह खबर आ रही थी कि जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर एमआई केपटाउन में शामिल हो गए मिनी आईपीएल में, उसी तरह हो सकता है सुरेश रैना भी जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स में शामिल हो सकते हैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर। लेकिन अभी तक जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स की टीम जो एसए 20 लीग की टीम है उन्होंने किसी भी तरह का घोषणा नहीं किया है कि वह वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए किसी भी खिलाड़ी को टीम में शामिल कर रहे हैं और इस तरह से किसी तरह का कोई हिंट भी नहीं मिला है। तो ऐसे में लगभग यह कन्फर्म हो गया है कि सुरेश रैना मिनी आईपीएल नहीं खेलेंगे, वह वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर एसए 20 लीग में नहीं जाने वाले हैं किसी भी टीम में। हालांकि सुरेश रैना अभी अबू धाबी T10 लीग खेल रहे हैं लेकिन वहां पर उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रह पा रहा है और सुरेश रैना को लेकर जो भी खबर आएगी हम आपको देते रहेंगे, तुम्हारे साथ आप बने रहें। तो दोस्तों आईपीएल का ऑक्शन नजदीक है और बहुत सारी खबरें आ रही हैं जो मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए कवर करता हूं हर दिन, तो हमारे साथ आप बने रहें। और इस तरह के अपडेट्स हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।